पाक मीडिया शॉप समिट जी सेवन हो या ब्रिक्स, भारत हर जगह पहुंच जाता है। तो मेरे ख्याल में देख लेते हैं पहले वीडियो, फिर लेते हैं थर्टी ग्रैक्शन। G7 ममालिक के 3 रोज़ा इजलास में क्या कुछ तय हुआ है? बड़ी इक्तसादी ताकतें इस वक्त हमें इकट्ठी दिखाई देती हैं। लेकिन आपको हैरानगी होगी ये सुन के और देख के कि 2 दिन पहले तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो जो चाइना ने एक हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है, वो उसका भी मेम्बर थे और वहाँ पर भी बैठे हुए थे। वो उससे पहले जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई जहाँ पे रशियन प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुटिन थे और बाकी ब्राज़ील, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और बाकी जो चाइनीज थे वो बैठे हुए थे और वो टोस्ट कर रहे थे जनाब कप जो था और एक फ्रेंडशिप और इसकी बातें हो रही थी। इधर जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूरोप आ गए हैं और यहाँ पे आके वो बैठ के, तो वो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव में जो प्राइमरी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव है फॉर द G7, वो इंडिया को वेस्टर्न साइड के करीब करना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया और इंडोनेशिया जो है उसको ये इंक्लूड कर रहे हैं एज ए पार्टनर कंट्रीज, और इसके फौरन बाद एक समिट हो रही है स्पेन में जिसमें कोई 30 मेंबर स्टेट्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, जिसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर, साउथ कोरियन और बहुत सारे और जो ममालिक हैं, और ये बेसिकली मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ये एशियन कंट्रीज को भी साथ इसमें बुला रहे हैं। अब अगर आप देखें कि ये जो US, UK, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये जितने भी ममालिक हैं अलॉन्ग विद दिस यूरोपियन यूनियन एज वेल, ये इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि हमें किस तरह इस वक्त रशिया को जो है वो इंगेज करना है, किस तरह रशिया से जो है वो रशिया के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाना है और चाइना के अगेंस्ट भी नैरेटिव बनाना है। एंड आई एम टेलिंग यू विद द फुल जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ख़ासतौर पर यूक्रेनियन जो यूक्रेन की वॉर है उसके ऊपर वो जो इसको बड़ा करीब करना चाहते हैं। इंडिया ये तो कहता है कि ठीक है जंग नहीं होनी चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया जो है वो जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक में इतना करीब हो गए, देखिए चाइनीज इतने करीब नहीं है जितना इंडिया करीब है, इतने करीब हो के जारी बात है वो जो काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है कि वो ब्रिक्स में भी थे, वो हाई लेवल ग्लोबल डायलॉग ऑन डेवलपमेंट जो कि जिसको चाइना इनिशिएट कर रहा है। अब चाइना और इंडिया के मामलात बताने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे कि उनके आपस में क्या मामलात है आइदर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमी, अक्सर मैं उस प्लेटफॉर्म पर बात करता रहता हूँ। अब जो है वो जो है ना नरेंद्र मोदी साहब जो है जफियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं, एंड आप उनकी फ्रैंकनेस लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज हमारे दोस्त हैं वो सानू अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गए। सो कश्मीर कहाँ पे रह गया, डायलॉग कहाँ पे रह गए, चीज़ें कहाँ पे रह गई, ये बहुत बड़े बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान को जैसे डीप थिंकिंग है ना वो करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। अब इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ने कहा था कि वी आर डीपली डिसंगेज विद द वर्ल्ड, और अब ये जो चीज़ें हैं कि क्या इंडिया को वो इंगेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका जो है वो बार बार ये कह रहा है जनाब कि हम जो है वो 200 अरब डॉलर जो है इकट्ठा करेंगे, हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करना है। अभी भी इसमें ये जो अभी मुलाकात हो रही है इसमें भी ये बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट एंड पब्लिक फंड जो हैं अगले 5 सालों में इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर सकें। अच्छा, अगर आपको याद हो जो G7 की मुलाकात इफ आई एम नॉट रॉन्ग लंदन में हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, जहाँ पे ये सारे इन्वायरमेंट के वाले से बात हुई और नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, सारे गए,
वहां पे इन्होंने एक इनिशिएटिव दिया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3 समथिंग लाइक दिस, B3W और B3W आई थिंक, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से जो इन्होंने एक इनिशिएटिव दिया था। अब उसमें इन्होंने बड़ा पैसा लगाने की बात की, कहा जी कि हम तो 40 अरब डॉलर उसमें उस वक्त आई थिंक, मुझे याद नहीं है, या हम इतना जो है वो पैसा इकट्ठा करेंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं हम 200 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज वो पुटिंग समवेयर अराउंड अ ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इन दिस BRI। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी भी ज्यादा, जितने इस वक्त सारे वेस्टर्न ममालिक परेशान है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन और इन चीज़ों से, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो जो मेजर डिस्कशन इस वक्त होनी थी यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में, वो तो होनी थी बेसिकली कि जी हम जो है वो क्लीन एनर्जी पे किस तरह काम करेंगे। अच्छा, क्लीन एनर्जी पे ये काम करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि जो 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 चैलेंजेस आए उसको बिकॉज रशियन ऑयल की वजह से और दुनिया में तेल महंगा होने की वजह से, वो जो बात कर रहे थे कि हमें इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करना है, हमें जो है वो जो मैसिव इस वक्त जिसे बोलते हैं ना कि क्लीन एनर्जी की तरफ काम करना है और ये चीज़ें आगे लेके आनी है, वो थोड़ा सारी बातें मुश्किल होता जा रहा है। और इसने इतना आसान नहीं होगा कि आप क्लीन एनर्जी में और इन चीज़ों में जो है वो घुसते जाएं। लेकिन अगर 200 अरब डॉलर की बात हो रही है तो ये 200 अरब डॉलर किधर जाना है, किस तरह ये इन्वेस्टमेंट होनी है, ये सारी बात है एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना जो है वो सारी बात है उसको परेशानी तो होती है कि ये सारे मुल्क इकट्ठे हो गए हैं। अब चाइना को जो टेक्निकली चाइना को एडवांटेज ये है कि चाइना का अभी भी सप्लाई चेन पे कंट्रोल है, चाइना के ऊपर अभी भी सारे जो ममालिक हैं वो डिपेंडेंट है, और चाइना जो है वो आज भी जैसे कहते हैं ना ग्लोबली वो ही शॉर्ट्स खेल रहा है, बिकॉज ये सारे लोग तो जितने अभी देखें कितना वल्नरेबल सारा सिस्टम था, आज से 3 माह पहले बच्चों का दूध नापैद हो गया अमेरिका में और उनको पेंटागन को इन्वॉल्व करना पड़ा ताकि वो जो है वो यूरोप से जो है वो फ्लाई करेगा बच्चों का दूध अमेरिका पहुंचे। तो चाहे अमेरिका कितना डिपेंडेंट है दुनिया के ऊपर और सप्लाई चेन के ऊपर, ये सारी चीजें बड़ी रिसेंटली सामने आई हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं कि G7 लीडर जो है वो पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे और जिसे मैं पहले कहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड करेंगे, अब ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था पहले बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और अभी मेरा ख्याल है ये बात सोच रहे हैं कि अगर हम जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जैसे ये वर्ड्स हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं अभी आ रही इन्होंने करना क्या है, उसकी क्लैरिटी ना होने की वजह ये है कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक के लिए और प्लान है और यूरोप का इंडो पैसिफिक के लिए और प्लान है, जिसकी वजह से ये आपस में सारा टाइम कम्पीट करते रहते हैं। और एक रशिया ने जंग शुरू की तो सारी जो अमेरिकन अटेंशन है वो तो यूरोप में आ गई और वो भूल गए कि हमें वहां पे भी कुछ करना है। सो अब जो बाइडेन साहब हैं वो एक जो जो कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जारी बात है इंट्रोड्यूस कराने आए हैं, और इन टर्म्स ऑफ वो क्योंकि उनको पता है कि वो दे वॉन्ट टू लीड, जैसे जब प्रेसिडेंट बाइडन जो थे वो पावर में आए तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इज बैक, वो जो अमेरिका इज बैक है और इस तरह की जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इस पे किस तरह चीज जो है वो हो सकती है। अभी जो G7 में जो लाइकली पॉसिबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज की तो बात होगी, लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि क्लाइमेट चेंज में जो जर्मनी का मेन एजेंडा था कि क्लाइमेट चेंज पे बात करें, लेकिन वो जितनी इनको तेल की इस वक्त जरूरत है ये तो क्लाइमेट चेंज की तरह वो उस तरह जा भी नहीं। तो जी वीडियो ही खत्म, वीडियो थी G7 समिट के बारे में जो कि हो चुका ब्रिक्स के रिलेटेड, जो इनके हो रहे हैं या हो चुके हैं समिट, उनका मुद्दा क्या है असल में, वो क्यों अपना समिट होते हैं, उनका मकसद क्या था, लेकिन अब वो इस तरफ जा रहे हैं। असल में ये मुद्दा यह था कि उन्हें काउंटर करने के लिए, चाइना की डेवलपमेंट को काउंटर करने के लिए ये जो समिट पर हो रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, तो ये तमाम ये जो बड़ी इकोनॉमीज थी इन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए ये करना था। उसके बाद चाइना शामिल नहीं है इसमें, नहीं वो समिट है ना जो G7 है, G7 में चाइना नहीं, G20 में तो है। और असल में ये तो नहीं मानता कि मैं चाइना जो इतनी बात, ब्रिक्स आ रहा है, ब्रिक्स में तो है ना चाइना, ब्रिक्स में तो है, लेकिन हर
ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ना है ये जो कुछ क्वाड जिस तरह क्वाड है उसमें चैनल चार हैं तरक्याती जो ग्रोइंग कंट्रीज है लेकिन असल में मुद्दा ये था इस पर डिस्कस करना चाहिए था कि हमें जो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को अब जिस तरह खतरात लाक हैं वो उसमें हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनको नई बीमारियां लग रही हैं सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट की लूदगी की वजह से। भाई जो इंडिया में मैं कल वीडियो देख रहा था कि क्लीन एनर्जी पे वो बहुत काम कर रहे हैं हाँ। इस वक्त इंडिया जो है वो क्लीन एनर्जी पे बहुत काम कर रही है और पाकिस्तान को भी ये काम करना चाहिए क्लीन एनर्जी पर और सारे मुल्क को ये करना तो गुजार सबको चाहिए लेकिन कई कंट्री ऐसी हैं जो इस पे तवज्जो ही कभी दी क्यों नहीं दी जाती असल में बात ये है हमारी कंट्री सबसे पहले पाई जाती है मेरे भाई मेरे ख्याल में जो ये समय जितनी भी हो रही है ना सबसे पहले हिसाब से जो एशिया के सबसे ज्यादा ममालिक है ना वो सबसे ज्यादा इसमें पाई जाती है चाइना भी उसमें है पाकिस्तान भी है भारत भी है इस सबसे जो आलूदगी है ना वो एशिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है और मेरे ख्याल में जो जितनी भी अब समिट हो रही है G7 की है G20 की है ब्रिक्स की है जो भी हो रही है मेरे नजदीक पता नहीं उसमें सबसे पहले कौन सा एजेंडा डिस्कस होना चाहिए था यूक्रेन और रशिया की वॉर का और उसके बारे में किसी एक ने भी नहीं बात की उस पर डिस्कशन लाजमी होनी चाहिए थी कि किस तरह भाई अमेरिका ऐसे ऐसे यूक्रेन को अमेरिका को निकाल दो तो फिर इस पे बात हो सकती है नहीं मैं यकूब भाई ये बात उन्हें ना इतना बड़ा फोरम है इस पे उन्होंने बात नहीं की उधर भारत भी आया कनेडा भी आया किसी ने सारे बड़े ममालिक उधर आए रशिया खत्म हो जाए कुछ भी नहीं उनके हथियार बिक रहे हैं उनकी अद्वियात बिक रही है उनको काउंटर करने के लिए सबसे ज्यादा मसला था क्योंकि दो तीन मुल्क है जो इनको टक्कर दे सकते थे जो इनको मुखालिफ हरीफ थे एक था रशिया और था चाइना दोनों ने एंगेज कर लिया क्योंकि जब रशिया एंगेज हुआ तो और चाइना का भी सारी बात वो उसका हमसाया भी है और उसके साथ उसकी सरहदें लगती हैं और यह उसको काउंटर करने के लिए इनको काउंटर करने के लिए लाजमी था ये सारा कुछ जो है सारा कुछ जो हो रहा है वो चाइना और रशिया के बारे में भाई रशिया को खत्म चाइना नहीं इतना खत्म हो सकता कोई भी नहीं कर सकता सारा जो प्लान है ये अमेरिका का रशिया खत्म करने का है बिल्कुल इसी तरह ही वो पहले उन्होंने यूक्रेन को क्या कहा कि आप लगे हम आपके साथ हैं और फिर जब लगी और जब उन्होंने अटैक कर दिया रशिया का दो तीन महीने पहले उन्होंने मदद नहीं की आप वो मदद कर रहे हैं लेकिन ये इसका नुकसान इसका खुमियाजा सब भुगत रहे हैं और भुगतते चले जाएंगे कोई फर्क नहीं अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी है आपको पता नहीं कितने फिर से उधर महंगाई पूरे महंगाई है भाई महसूस कर रहे हैं अमेरिका को इतनी नहीं हो रही जो कुछ भाई अमेरिका वाले भी बहुत इधर आए हैं हमारे गांव में आए हैं वो भी कहते हैं कि पहले की निस्बत अभी ज्यादा महंगाई है पूरे वर्ल्ड में है मुख्य बात यह है कि इस वॉर से किसी को भी फायदा नहीं हुआ पूरी दुनिया में ये एक महंगाई की लहर आई है पूरी दुनिया में अफरा तफरी आई है पूरी दुनिया में अब ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं ब्लॉक्स बन रहे हैं जो कि एक ब्लॉक होना चाहिए था अब दो ब्लॉक की बातें हो रही हैं जो रशिया वो अपने जो अपने करीबी दोस्त हैं उनको अपने ब्लॉक में ले लेने की कोशिश कर रहा है वो अलहदा अपना एक करेंसी शो करने अमेरिका अलहदा खींच रहा है जिससे पूरे दुनिया में अफरा तफरी फैलेगी और फैल भी रही है मेरे ख्याल में सबको अमन की बात करनी चाहिए और अमन से ही दुनिया में खुशहाली भी है तरक्की भी है और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे अगर वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता है नई वीडियो नाटक साथ तब तक दीजिए इजाजत।